अलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं मूली वाले पराठे, और उसके लिए हमने मूली को कद्दूकस करके इसका पानी खुश कर लिया है। इसमें डालेंगे हम नमक और सुर्ख मिर्च और हल्का सा नमक, क्योंकि ये मूली मीठी थी। अगर मूली कड़वी हो तो फिर उसमें नमक की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये मूली मीठी थी इसलिए हम इसमें थोड़ा हल्का सा नमक डाल रहे हैं। ब्लड प्रेशर के लिए बिल्कुल कंट्रोल करें। इसमें हमने साथ डालेंगे हरा धनिया, और अब इसको हम मिक्स करेंगे। आटा हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं जी, ये हमारी देसी गंदम का आटा है, जिसे कहते हैं देसी कनक पंजाबी में, देसी गंदम है। अब हम इसकी मूली वाले पराठे बनाने के लिए, ये देखें, मिर्चें थोड़ी सी कम, क्योंकि उनके अब मिर्चें थोड़ी सी तेज़ खाते हैं। ये हमारे अच्छी तरह मिक्स हो गए हैं। अब हम आटे के छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे। आटे के छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे दो, ये देखिए। तवा भी हमारा गर्म हो गया तकरीबन। इनको अब छोटी छोटी रोटी बेल लेंगे। ये उठा लो। हाँ उठा लो, ये जगह कम है। अब इसी तरह दूसरा पेड़ा भी बेल लेंगे हम। आजकल सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, तो सर्दियों में आपको पता है इस चीज़ की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। मूली वाले पराठे सारे बहुत शौक से खाते हैं। चलेंगे अब हम इसमें अपना ये मूली का मिक्सचर लगाएंगे अच्छी तरह। ये देखें, ठीक है, ये मूली मैं ज़्यादा लगा रही हूँ, क्योंकि इनके अब्बू जो मूली अच्छी खासी बीज में हो तो फिर पसंद करते हैं, कहते हैं मेरी रोटी में मूली ज़्यादा लगाओ, इसलिए भर के मैंने लगाया। अब इन साइडों से हमने अच्छी तरह प्रेस कर लिया। इसको हल्का हल्का बेलन से बेल लेंगे। तवा हमारा गर्म हो गया। अब हम इसको डालें। अब हम इस पर घी लगाएंगे। आप मक्खन लगाना चाहें मक्खन लगा लें घी, क्योंकि घी से पराठा बहुत ज़बरदस्त बनता है। ऑयल जो लोग कहते हैं कि ऑयल से पराठा पर लगाएं, ऑयल से पराठा किसी काम का नहीं बनता, तो ना ही वो खाने को दिल करता है। ये मेरा ज़ाती तजर्बा है। ये साइडों और लगा दी ताकि नीचे भी लग जाए, क्योंकि मूली है ना, कच्ची मूली लगाई हुई हमने बीच में। और इसे अच्छी तरह पका लेंगे दोनों साइड से। इसी तरह सारी रोटियां बनाएंगे। ये देखें बता फूल आ रहे हैं। इसको हल्की आग पर पकाना है, बहुत तेज़ आग पर नहीं, ये तो यकदम से जल जाएगी और मूली अंदर से बिल्कुल कच्ची रह जाएगी। दरमियानी आग पर पकाएं, अच्छी तरह से पक जाएगी।
प्लेट में बस दे देते हैं। हमारे घर में रोटियां ज़रा अच्छी तरह सेक के खाते हैं, कच्ची रोटी नहीं खाते इसलिए ज़रा टाइम लगता है रोटी बनाने में। अच्छी साइड से थोड़ी सी हो जाए फिर ये रोटी। ये देखें कितनी प्यारी माशाल्लाह से रोटी तैयार हो रही है हमारी। ये है जी मूली वाले पराठे, आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये ठंडे ठंडे दही के साथ आप खाएं, बहुत अच्छे लगेंगे। गर्मा गर्म पराठा, दही फ्रिज में पड़ा हो ठंडा ठंडा, दही को आप चाहे चीनी भी डाल लें, कुछ लोग डालते हैं कुछ नहीं, कुछ सादा ही इस्तेमाल करते हैं। ये देखें जी हमारी बेहतरीन ज़बरदस्त रोटी आपके तैयार हो गई है। हम इसको घी थोड़ा सा साफ कर लेंगे। ये देखें, बहुत शुक्रिया जी, दुआ में याद रखिएगा, रेसिपी देखने का ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।